हे एवरीवन, वेलकम टू पीआर पाथवेज, आपका अपना यूट्यूब चैनल। अगर आप एक्सीडेंटली इस वीडियो पे आ गए हैं और आप सोच रहे हैं कि चैनल किस बारे में है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये चैनल है पीआर पाथवेज। पीआर पाथवेज कवर करते हैं हम वेरियस कंट्रीज़ की, स्पेशली मैं कनाडा को कवर करता हूँ बिकॉज मैं कनाडा में रहता हूँ। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स ढूंढ के लेके आता हूँ आपके लिए जो कि आपको ईजी पीआर में हेल्प करते हैं, वेदर इट्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, यूएसए, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो अभी आज मैं कवर करूंगा एक और अमेजिंग पाथ, पीआर का पाथवे, जो कि किसी भी यूट्यूब पे पूरा आप चेक कर लीजिए, कहीं भी कवर किया नहीं होगा, और इतना इजी है कि आपको मज़ा आ जाएगा। पूरी वीडियो को देखने के लिए बने रहना और अभी कवर करते हैं। तो गाइस, दो सेक्शन में वीडियो कवर करते हैं। पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेंगे, एलिजिबिलिटी के बाद हम देख लेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है, जैसे कि मेरी पुरानी वीडियोज़ में चल रहा है। तो मैंने काफ़ी सारी PNPs कवर की है, एक नॉर्मल जो हमारी एंट्री लेवल और स्किल्ड वर्कर PNP है, सॉरी क्रिटिकल वर्कर PNP है, ये कवर की मैंने पहले। NWT की, NWT मतलब नॉर्थ वेस्ट टेरेटरीज, कईयों को तो नाम ही नहीं पता होता है क्या है नॉर्थ वेस्ट टेरेटरी। तो ये टेरेटरी है नॉर्थ में, यूकॉन के पास, यूकॉन, नॉर्थ वेस्ट टेरेटरी एंड नुनावत, ये तीन टेरेटरीज है कनाडा की, प्रोविंस की तरह होती हैं बट स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं इनको, इनकी अपनी PNPs चलती हैं। तो इनमें से कुछ PNPs मैं कवर कर चुका हूँ, जैसे कि स्किल्ड वर्क, सॉरी सेमी स्किल्ड वर्कर या एंट्री लेवल, या फिर मैंने कवर किया था एक्सप्रेस एंट्री PNP NWT का। आज मैं थर्ड PNP कवर करूँगा। दो तरह की PNPs होती हैं, पहले आप समझ लीजिए, एक होती है एम्प्लॉयर ड्रिवन, एक होती है नॉर्मल PNPs। तो जैसे तीन कैटेगरीज आती हैं, एक आता है बिजनेस स्ट्रीम, एक आता है एम्प्लॉयर ड्रिवन। एम्प्लॉयर ड्रिवन में ये तीन आ जाती हैं, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल्ड वर्कर, या फिर एंट्री लेवल या सेमी स्किल्ड। और अगर मैं इस PNP की बात करूँ जो मैं आज कवर करने वाला हूँ, ये है फ्रेंकोफोन कैटेगरी। गाइस, फ्रेंकोफोन कैटेगरीज मैं रिक्वायरमेंट्स में आपको बताऊँगा, रिक्वायरमेंट्स देख के आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी ईजी PNP, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये चीज़ कर लीजिए, आप PR ईजिली करा सकते हैं। अभी कवर करते हैं। तो गाइस, कवर करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की क्या है। तो गाइस, पहली एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की, आपको एक जॉब ऑफर चाहिए NWT एम्प्लॉयर से। जॉब ऑफर डजेंट मैटर, किसी भी नॉक कोड में हो सकता है। कई बार लोग कहते हैं नॉक कोड क्या है, टीयर जो आजकल हो चुके हैं। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, अकॉर्डिंग टू योर जॉब, आपके वो डिसाइड होते हैं। मैनेजरियल जॉब है, स्किल्ड वर्कर जॉब्स है, या फिर ट्रेड्स में हैं। तो डजेंट मैटर आप किस नॉक में हैं, नॉक OABC किसी में भी हो, नॉक ABC किसी भी में भी हो, आपका हो जाएगा। आप टीयर 1, 2, 3, 4, 5 किसी में भी हो जाएगा, नॉक CD है उसमें भी हो जाएगा। तो बस आपको एक जॉब ऑफर चाहिए जेन्युइन एक एम्प्लॉयर से जो कि NWT का हो, ये आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। प्लस आपका लास्ट 10 ईयर्स में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी प्रोफेशन में जिसका आपका जॉब है, या फिर आपके पास लास्ट 6 मंथ्स आप NWT में हो, आप उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। ऑप्शनल है, मतलब या तो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखा दीजिए लास्ट 10 ईयर्स का, या फिर 6 मंथ्स का आपका वहाँ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस कैटेगरी में एलिजिबल होते हैं। कैटेगरी का नाम है फ्रेंकोफोन स्ट्रीम, जो कि NWT PNP का पार्ट है। ये आगे इसकी एलिजिबिलिटी, मोटी मोटी बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि आपको CLB 4 चाहिए आइलेट्स में, जैसे फ्रेंकोफोन स्ट्रीम है, तो फ्रेंकोफोन का मतलब आपको फ्रेंच आनी चाहिए, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है CLB 5 है। ये मोटी मोटी कैटेगरीज हैं गाइस, मतलब जो एलिजिबिलिटी कैटेगरी आती है। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर अभी मैं बात करता हूँ। देखो, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे मैंने बताया एक जॉब ऑफर चाहिए, आपको फ्रेंच आनी चाहिए, दैट्स इट। इंग्लिश तो आप वैसे ही क्लियर कर लोगे, CLB 4 का मतलब क्या होता है, आइलेट्स के ऊपर 4.5 चाहिए आपको, वो तो वैसे ही आ जाते हैं। तो अगर आपने फ्रेंच सीख ली, इवन आप +2 के बाद भी आ रहे हैं, तब भी आपके लिए ये इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम है ना, कि अगर आपने फ्रेंच सीख ली तो आपकी इतनी ऑप्शन खुल जाती हैं, इवन कि आप RNIP ये वो किसी में भी लगा सकते हैं। तो अभी कवर करते हैं आगे जाके। गाइज, अब कवर करेंगे डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है, क्योंकि है इतनी डॉक्यूमेंटेशन आपको कवर करना, मैं चेक करके वही बताता हूँ आपको। पहले तो लगता है नॉमिनी का एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि पुरानी NWT PNPs में मैंने आपको बताया। फिर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन फॉर्म होता है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन फॉर्म होता है, अगर आप कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अगर आपने हायर किया तो उसका फॉर्म अलग से होता है। फिर आपकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज लगती हैं, वर्क परमिट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके पास ऑब्वियसली पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लगेगा, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लगेगी, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट है अगर वो ट्रांसलेटेड नहीं है इंग्लिश और फ्रेंच में, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लगेगी आपकी प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस की, फॉर एग्जांपल आप 10 इयर्स का 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस दिखा रहे हो तो वो लग जाएगा। फिर आपकी
बर्थ सर्टिफिकेट लग जाएंगे, पासपोर्ट लग जाएंगे डिपेंडेंट्स के, अगर डिपेंडेंट है आपके कोई। इसके अलावा आपका सेल्फ हेल्प का स्कोर लगेगा या आइलेट्स का स्कोर लगेगा, CLB 4 चाहिए अगर आपका, आपके पास ये तो होना ही चाहिए, अगर फ्रेंच का स्कोर है तो वो लग जाएगा, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। ओके, उसके बाद फुल टाइम और परमानेंट जॉब ऑफर, जॉब ऑफर जैसे मैंने आपको बताया आपके पास होना चाहिए, या फिर आपका एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लग सकता है। फिर बैंक स्टेटमेंट्स लगेंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट फॉलो करते हैं। उसमें एक और होती है रिक्वायरमेंट कि आपके पास $10,000 आपको शो करने पड़ेंगे। फिर पे स्टब्स लगेंगी लास्ट 3 मंथ्स की। अच्छा, जो एम्प्लॉयर है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए इनको, वो वैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है, पर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए इनको वही होती है कि रजिस्टर्ड बिजनेस का नेम क्या है, ऑपरेटिंग कंपनी नेम क्या है, फिजिकल एड्रेस क्या है, मेलिंग एड्रेस क्या है, एम्प्लॉयर्स का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए पूरी डिटेल में, फिर उसके बाद जॉब टाइटल NOC NOC चाहिए पूरा, फिर वेज चाहिए, मतलब ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या फिर जॉब ऑफर में आपको मिल जाता है, ठीक है। फिर अच्छा, जो नॉमिनी एप्लीकेंट होता है उसके पास, उसकी मैंने आपको सारी रिक्वायरमेंट बताई दी है। तो गाइज़, ये अगर मैं इस को फॉलो करूँ, पूरा निचोड़ देखूँ या इसको एवेल्यूएट करूँ, इस वीडियो को देखूँ समझूँ, तो ये वन ऑफ द अमेजिंग प्रोग्राम्स हैं जितने मैंने आज तक कवर किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को अवेल कीजिए, इस प्रोग्राम को समझिए, क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए एक बार जाके, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स कई बार चेंज हो जाती हैं। ये आप कर लेंगे, ये फॉलो कर लेंगे, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आप एक इजीली PNP ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं। ये ऐसा प्रोग्राम है जितना मेरे को पता है लोग इसको फॉलो नहीं करते, इसको अवेल नहीं करते, क्योंकि फ्रेंच लोगों को आती नहीं है। फ्रेंच जैसे आप सीख लेते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस में हो, चाहे वो RNIP में हो, चाहे वो PNP में हो। फ्रेंच एक अमेजिंग सोर्स है, इवन आप +2 के बाद आ रहे हैं तो ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको इजीली PR प्रोवाइड कर देगा। तो ये थी आज की वीडियो गाइस, आई होप सो आपको मज़ा आता है मेरा ये चैनल देखने में। हाँ, मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि क्लेस्ट्रोम करके एक जगह है अल्बर्टा में, उसका रूरल का बताइए, वो मैं ज़रूर कवर करूँगा जल्दी आपके लिए ज़रूर। तो ये था आज का ज्ञान गाइस, आई होप सो आपको मज़ा आया हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ, और एक और धमाकेदार वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम आपके सब के सामने रूबरू करेंगे PR पाथवेज में। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।